और अब बात एक ऐसे सरपंच की जिसने नियम को तोड़ा, मरोड़ा, जुगाड़ भी लगाया ताकि कुर्सी के खेल में बाजी वही मारे। हुआ भी यही, लेकिन अब उसके गड़बड़ झाले का पता चल गया है, उसका हर खेल का राज खुल गया है। नेताजी का गड़बड़ झाला, कुर्सी के लिए जुगाड़ आला, दिमाग की बत्ती जलाई, सरपंच की कुर्सी हथियाई, राह में नहीं आया तीन तिगाड़ा, सरपंच का फर्जीवाड़ा। जी हाँ, पता चला है बड़े फर्जीवाड़े का, एक सरपंच की जिसने नियम को ताक पर रख कानून को तोड़ मरोड़ जीत की राह तय की, लेकिन उसके खेल का पता चल गया। ग्राम पंचायत नांगराजावतान सरपंच पद के चुनाव हुए। उन चुनाव मेरे छोटे भाई की पत्नी उगंधी देवी चुनाव लड़ी थी, वो हम चुनाव हार गए। हमारे सामला कैंडिडेट ओम प्रकाश मीणा चुनाव जीत गए। उनके तीन संतान हैं, तो हमको तीन संतान के जो कागज लिए थे सूचना के तहत हमने कागज लगाए। डीओ साहब ने हमको आदेश करे और आदेश को वापिस 4 दिन के अंदर हमको नांगल स्कूल के प्रिंसिपल ने आदेश जारी कर दिए। जिसके बावजूद वह वीडियो साहब ने उस आदेश को कैंसिल कर दिए किसी राजनीति दबाव आकर के। जी हाँ, आरोप है कि दौसा के नांगल राजावतान ग्राम पंचायत में सरपंच ने फर्जीवाड़ा कर चुनाव जीता। दरअसल नियम है कि राजस्थान में दो संतान वाले उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। ओम प्रकाश की तीन संतानें हैं और उनकी पत्नी नांगल राजावतान से सरपंच बनी। ओम प्रकाश ने एक संतान को अपने भाई को सौंप दिया, पिता के नाम की जगह अपना नाम हटा भाई का लिखवा दिया। फिर ओम प्रकाश की पत्नी ने चुनाव लड़ा और जीत भी गई। रिट लगाने के लिए शिकायतकर्ता कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कलेक्ट्रेट से नकल नहीं मिली। कलेक्ट्री में SM SDM को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, यहाँ भी हमको कागज नहीं मिल रही है और कहते हैं अधिकारी वो देगा, ऐसे हमारा टाइम काट रहे हैं। हमको 30 तारीख को ही टाइम है, 30 दिन का टाइम है। उस टाइम को टालने के लिए इन लोगों ने हमको भरमारी है और हमको डॉक्यूमेंट पेश को कर रहा। रिजल्ट घोषित होने के 30 दिन के अंदर अंदर चुनावी याचिका न्यायालय में पेश होना मैंडेटरी कानून है, मयाद है इसकी। नियमानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी दौसा जो कलेक्टर साहब हैं उनके यहाँ से नॉमिनेशन फॉर्म और रिजल्ट शीट की सर्टिफाइड कॉपियाँ रिट करने वालों को मिलती है। दौसा जिले के जितने भी चुनाव लड़ने वाले हैं, कोई रिट करने वाले लोग हैं, वो चुनाव हुए तब से आज तक कलेक्ट्री में चक्कर लगा रहे हैं, एक को भी नकल नहीं दी जा रही है। हालांकि जिले के कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जिसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर नॉमिनेशन की कॉपी और दूसरे दस्तावेज दिलाने का काम शुरू किया जा रहा है। चुनाव के नकलों का जो भी है मैटर, उसको हमने संज्ञान में ले लिया है। उसमें एक अधिकृत ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर हमने नियुक्त कर दिया है। इसमें कार्य हो रहा है, रेगुलर गति से कर रहे हैं। इसमें और भी इस काम में कार्य में तेजी और गति लाई जाएगी और इसमें कोई भी जनप्रतिनिधियों को ऐसे इसमें कोई आशंका नहीं रखनी चाहिए। और जो भी संबंधित नकल है, जो जारी नकल होनी, जो ऑथराइज नकल है, वो हम यहाँ से जारी कर रहे हैं। अब इंतजार है नॉमिनेशन की कॉपी मिलने का, साथ ही नकल का, ताकि फर्जीवाड़ा करने वाली सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दौसा से न्यूज 18 के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए।